चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। सभी समण साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम ब्रज मोहन, मैं दिल्ली से हूँ। आज का कॉन्सेप्ट बताने की जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है उस पर मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगा कि सफल रहूं। साथियों, हमारे देश को आजाद हुए 70 से 72 साल के तकरीबन साल हो गए हैं और इस देश में SC ST OBC के जो संगठन है 29 लाख संगठन, जो भारत सरकार का एक डाटा बताता है, और जिसमें कि 4 लाख संगठन पूर्णतः जो अपने कार्य को तकरीबन कर रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो एक्टिव संगठन जिनको हम बोलते हैं, वो एक्टिव संगठन है और वो निरंतर SC ST OBC के लिए या SC ST समण संघ के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो उपलब्धताएं या जो कामयाबी उन संगठनों को मिलनी चाहिए थी, वो संगठनों को मिल नहीं पाई, बहुत सारे कारण रहे। सर, इनको म्यूट कर दीजिए एक बार। माइक खोल रहे हैं ब्रजमोहन जी, माइक म्यूट कर दीजिए। सर, माइक म्यूट कर दिया, आप अपना खोल रहे हैं। वो कई बार किया है सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो जो कामयाबी हमारे संगठनों को, जो इस समाज को, समाज को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। कारण ये रहा उसका कि जो काम हमें पहले करना चाहिए था वो काम हमने किया ही नहीं, जैसे कि जुड़ना और जोड़ना। किसी भी समाज को या किसी भी चीज को कामयाबी लाने के लिए, कामयाबी मिलाने के लिए जो सबसे पहला सूत्र है वो जुड़ना और जोड़ने का है, जिस पे कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, या कहें कि उन्होंने इसको काम माना ही नहीं। जुड़ना जोड़ना भी कोई काम होता है। साथियों, उन्होंने हमें 6,743 जातियों में और तोड़ दिया। जुड़ने और जोड़ने की तो बात कहां करें, उन्होंने हमें और जोड़ और दिया। जिस कारवा को बाबा साहब लेके आए थे, जो इन जातियों को हमारी उन्होंने बंद किया था SC ST OBC में, तीन एक कहें तो एक घड़े में उन्होंने डाल दिया था कि इसको कोई फोड़ ना सके और आप जो है SC ST OBC हैं। लेकिन साथियों, उन संगठनों की बदौलत ही हम जातियों पे गर्व करने लगे, जातियां खेलने लगे, जिसका कारण ये रहा कि इस देश में हम और पिछड़ गए और हमारे जो इस देश के रिसोर्सेस थे उसको हम लेने में नाकामयाब रहे। साथियों, जुड़ना और जोड़ना ये पहला एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को बिना करे कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। साथियों, वो समाज कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता जो समाज जुड़ा और जोड़ने की नीति ना लेके चलता हो। हमें सीखना होगा उन लोगों से जिन्होंने हमसे सीखा, जो हमारी पद्धतियां, जो हमारे सोच को अपना के इस देश पे कुल मात्र 4 या 5% लोग सत्ता पे काबिज हैं। साथियों, हमें इस पे ध्यान देना होगा और जुड़ने और जोड़ने पे काम करना होगा। साथियों, मैं इसमें, हम ये बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। साथियों, संविधान तो खतरे में जब होगा, सबसे पहले तो हम ही खतरे में, हमारे आने वाली नस्लें खतरे में हैं। उन नस्लों को हम कैसे बचाएं? साथियों, जो समाज, जो परिवार जुड़े होते हैं, वो उनको कभी भी किसी भी चीज की कमियां नहीं रहती, उनको कभी भी किसी चीज के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता, उनको चीजें मिल जाती हैं, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती। साथियों, हमें जुड़ना और जोड़ने पर काम करना होगा। साथियों, हमें इस जुड़ने और जोड़ने पर कार्य कैसे करना है? जैसे कि कंसेप्ट तकरीबन सभी लोग सुनते हैं, डेली एक ही बात दोहराई जाती है, जुड़ने जोड़ने। मैं इसमें कुछ सर, हेलो, मेरी सर आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है सर, अब चालू आ रही है सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हमें जुड़ने और जोड़ने के लिए सबसे पहले
अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने आप से तो वो जुड़े हुए हैं ही, हमसे तो जुड़े हैं ही, हमें श्रवण संघ में लाना होगा और जितने भी हमारे श्रवण संघी हैं उन लोगों से उनको जोड़ना होगा और श्रवण संघियों को उनसे जुड़ना होगा। साथियों, जब तक हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हम इस देश के जो बाबा साहब का, जो भगवान तथागत बुद्ध का एक सपना था इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का, उस सपने को कामयाबी जब ही हम हासिल हो पाएगी जब हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। साथियों, इस देश को अगर हमें प्रबुद्ध भारत, बोधमय भारत और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है तो हमें जुड़ना और जोड़ना जरूर पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहे घर घर जाना पड़े, चाहे गांव गांव जाना पड़े, गली गली जाना पड़े, इस पे हमें आज से ही कार्य करना है। हम ये ना समझे कि कंसेप्ट सुन लिया, कंसेप्ट हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, जिसको अच्छा लगा या जो जुड़ रहे हैं वो लोग इसको आगे लेके जाएं और आज से ही कार्य इस पे करना शुरू कर दें। एक चीज और है इसमें, हम जब तक जातियों पे गर्व करना नहीं छोड़ेंगे, हम अपने समाज को, अपने इस श्रवण संघ को आगे नहीं ले जा सकते। हमें जातियों पे गर्व करना भी छोड़ना होगा। हम SC ST OBC सभी श्रवण समाज का एक हिस्सा है। हम अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, पीछे और पूर्व में लेके जाएं, और अगर वहां से हम अपने DNA का अगर टेस्ट कराएं तो SC ST OBC का DNA एक ही मिलेगा। साथियों, हमें इस पे काम करना चाहिए। हमें SC ST OBC के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग एक ही हैं, हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमें मिलके रहना है। अगर इस देश में इतने रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज किसके हैं, जब इस देश के मूल निवासी हम लोग हैं तो उस पे पहला हक भी हमारा ही होना चाहिए। साथियों, जब हम हमारे पीढ़ियां पर पीढ़ियां इस श्रवण संघ की जो कल्पना थी बाबा साहब तथागत बुद्ध से पहले से भी ये चलती आ रही है, तो हम बुद्ध से पहले श्रवण संघी लोग हैं और इस देश के जो रिसोर्सेज थे उस पे जब ये देश आजाद हुआ कुछ कारण रहे, क्योंकि हम लोगों का कुछ विपरीत मानसिकता वाले लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद में कहीं ना कहीं हमारा समाज भी उन क्रूतियों का, उन जो चीजें यहाँ पे आई उनसे हम पिछड़ते चले गए। हमारे समाज को आगे बढ़ने की चीजें नहीं मिल पाई, जैसे चाहे हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें कहीं और बिजनेस का अधिकार नहीं था, हमें किसी और चीज का अधिकार नहीं था, जबकि इस देश के मूल निवासी होने के नाते इस देश के सबसे पहले शिक्षक भी हम थे, हम इंजीनियर भी थे, हम डॉक्टर भी थे, लेकिन चीजें, परिस्थितियां बदलती गईं और चीजें हमसे छूटती चली गईं। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ तो उस आजादी के बाद में जिस इस देश में जब सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारे थी, इस देश के सबसे ज्यादा मूल निवासी पुराने जो लोग थे हम लोग थे, तो हमें उनमें सबसे पहला हिस्सा चाहिए था। लेकिन कुछ जो विपरीत दिशा के जो लोग थे, जो विपरीत सोच के लोग थे, उन्होंने हमें दरकिनार किया। कारण ये रहा कि हम लोग जुड़े हुए नहीं थे, हम लोग कभी इकट्ठे हुए ही नहीं, तो इसके कारण से हम लोग जो है उन चीजों से पिछड़ते चले गए और उसका कारण ये रहा कि आज हम इस स्थिति में हैं कि जो लोग अब जैसे हमारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने तो अपना जीवन धीरे धीरे उन चीजों से काटा जो चीजें उनको मिली। लेकिन आज जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, लोग शिक्षा का इतना महत्व है और नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो लोग हमारे जो आने वाले जो नस्लें हैं उनको कहीं ना कहीं हमारे एक ऊपर की तरफ देखना होगा, क्योंकि उनको वो चीजें मिलेंगी ही नहीं। हम लोग कई जगह जाते हैं, कई वहां पे बातें होती हैं, संगठनों में जाते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए हैं, तो वहां जाते हैं तो वहां चीजें जो है अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। कोई कहता है शिक्षा पे काम करो, कोई कहता है बिजनेस पे काम करें, कोई कहता है किसी और चीज पे, धर्म पे काम करें। तो साथियों, हमें इन चीजों से, ये ठीक है कि इन चीजों पे काम होना चाहिए, लेकिन इनसे ज्यादा जो काम होना चाहिए वो जुड़ने और जोड़ने पे होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक या अच्छा विद्यार्थी जब ही बन सकता है अगर वो अपने समाज से जुड़ा होगा, अपने समाज को, अपने परिवार से जुड़ा होगा, अपने
जो पुराने जो अपनी परंपरा है उनसे जुड़ा होगा तो ही वो कामयाबी हासिल कर सकता है, अन्यथा वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच अगर विपरीत हो गई, अपने समाज के प्रति डेडिकेशन की नहीं होगी तो वो समाज के लिए भी, तो क्या वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस पे बार बार इस पे काम करना होगा। अब जैसे आर्थिक चीजों पे हमें काम करने के लिए कहा जाता है कि हम अपना बिजनेस करें, हम अपना कोई बिजनेस एकेडमी बनाए या कोई अपने अलग तरह का कोई बैंक बनाए, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, हम लोग निम्न क्लास के लोग हैं, वो समय छूट गया जब हम यहाँ के इस देश के राजा हुआ करते थे, जब हमारे जो सम्राट अशोक जिन्होंने प्रबुद्ध भारत को बनाया और उन्होंने चलाया, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि वो चीजें छूटती चली गई, हमारे पे पैसे का, हम आर्थिक स्थिति से उतने सक्षम नहीं है, जिसका कारण ये है कि अगर आज हम बिजनेस की तरफ जाते हैं तो मैं बिजनेस क्लास के जो हमारा जो गवर्नमेंट जो क्लास है, जो गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हुए हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, और मान लो रिटायर होने के बाद भी अगर उनके पास कुछ रहता है तो 10 या 15 लाख रुपए उनके पास बच के आते हैं। तो साथियों, अब आप ये देखिए कि जो आदमी 30 साल या 40 साल के सर्विस करा और उसके पास या 10 या 15 लाख रुपए उसके पास अपने बचे हुए हैं, तो अगर उसको कहें कि आप कोई बिजनेस करें, तो साथियों आप समझ सकते हैं कि वो क्या उसकी सोच होगी, किस तरह से वो बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने 25 साल या 30 साल की सर्विस करने के बाद में मैंने पता नहीं ये कैसे कैसे ये 15 लाख या 20 लाख जमा करें और मैं इनको किसी आर्थिक या किसी बिजनेस में लगा दूं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच किस तरह की होगी। वो इतना डरा होगा कि अगर ये बिजनेस में ये 40 साल की मेरी कमाई हुई पैसा अगर ये डूब गया तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे आने वाली नस्लें क्या इस पे करेंगे। तो साथियों, ये सही बात है कि हमें बिजनेस करना चाहिए, लेकिन हम वो बिजनेस भी जब ही कर सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से सक्षम और हमारे जो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो। तो हम अगर मान लो 1 करोड़ रुपया है तो हम 50 लाख लगा सकते हैं, लेकिन जब पैसा ही हमारे पास में 10 लाख है तो 10 लाख किस तरह से हम लगाएं, 10 लाख कोई बड़ी रकम नहीं होती। तो साथियों, इस बिजनेस के करने के लिए भी हमें जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 10 लोग या 20 लोग जुड़ जाते हैं और 10-10 लाख रुपए का भी अपना इन्वेस्ट उसमें करते हैं तो 1 करोड़ रुपए बनता है, तो वहां कहीं ना कहीं हम 2-2 लाख रुपए भी करके तो 20 लाख रुपए की अपनी इनकम को हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, अपने समाज के बिजनेस में, अपने समाज के लोगों के उत्थान में हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा साथियों। दूसरी चीज है, हम ठेकेदारी प्रथा के लिए कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारों के, अब हमारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ी क्रूरता आ रही है ठेकेदारी प्रथा, सब सरकारें जो है गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म करती जा रही हैं, जहां चाहे वो रिजर्वेशन के नाम पे हो, चाहे हमने शिक्षा हासिल की, ऐसा भी नहीं है कि लोग रिजर्वेशन से ही आ रहे हैं। मैंने, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से उन्होंने शिक्षा हासिल की और जॉब भी पाई, क्योंकि जो शिक्षा का सही से ग्रहण करेगा और अपने जो कंपटीशन को फाइट करेगा तो वो जनरल से भी आ जाएगा, लेकिन आधार वही होगा, शिक्षा के उच्च क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन साथियों, उसके लिए भी हमें बढ़िया तरीके से, बढ़िया सोच को लेकर हमें चलना होगा और उस पर काम करना होगा। साथियों, सभी चीजों पे हमें, अब जैसे ठेकेदारी का ही है, ठेकेदारी में भी हमारे लोग, ठेका हम लोगों को मिलता नहीं है, हम लोग उस तरह के कामयाब सक्षम है ही नहीं, क्योंकि हम जो ठेकेदार बन जाएं, हम ठेकेदार कैसे बने, लेकिन वहां के रास्ते भी हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। धीरे धीरे सरकार वहां रिजर्वेशन को, ठेकेदारी प्रथा इसलिए लाई जा रही है, जहां की हम लोग जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे थे उससे हम पिछड़ जाए। मिले और हमारा समाज अति पीछे और भी पीछे चला जाए। साथियों, इस कड़ी में हमें जो है अपने जो 6,743 जो जातियां हमने जो खोल दी हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं उनको दोबारा से बंद करना होगा और हमें बेटी रोटी का संबंध फिर दोबारा से बनाना होगा। हमने पहले जब इस एक चीज मेरे को ध्यान आ रही है इसमें, मैं सर दिल्ली का रहने वाला हूँ, गांव से मेरा है, गांव से हूँ मैं, तो हमारे जो दादा थे तो उनको हम जब उनसे बात किया करते थे, हमारी बैठक थी तो वहाँ लोग आके बैठा करते थे, हुक्का पिया करते थे, तो हमारे दादाजी को या हमारे पिताजी को
जो हमारे आसपास के जो गांव हैं उसमें 24 गांव तकरीबन हमारे हैं जो हमारे अपने समाज के लोगों में, तो वहां उस जुड़ने जोड़ने का और जो सामाजिक वहां था प्रभाव जो था, जो समण संघ का जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो समण संघ का कॉन्सेप्ट हमें अब हमारे पूर्वजों से जो मिला है उसको देखने को हमें मिलता था। कैसे मिलता था कि जैसे हमारे दादाजी बारात में जाया करते थे, शादियां हुआ करती थी तो एक दूसरे की बारात में जाया करते थे, मिलना मिलाना हुआ करता था, तो वो घर पे बैठे बैठे ये बता दिया करते थे फलाने गांव में कभी जैसे रिश्ता हुआ तो फलाने गांव का आदमी, फलाने गांव का लड़का या लड़की वहां उसकी शादी हो रखी है। तो हम ये पूछते थे कि दादाजी आप इतना लंबा चौड़ा कैसे हमें बता देते हैं कि फलाने का जो लड़का है वो वहां शादी हो रखा। कह रहा बेटा मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं वहां गया था। तो आज उन चीजों को हम देखते हैं अपने ऊपर, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो साथियों हम कहीं ना कहीं नकारक एक स्थिति हमारी अंदर है, हम लोग जुड़े और जुड़े ही नहीं है, हम पास के अपने गांव में ही लोगों को नहीं जानते हैं, हम अपने जो हमारे मित्र हैं उनके बच्चों को भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमारा मिलना मिलाना उन तक ही रह जाता है, उन बच्चों से हम नहीं मिल पाते, उनके परिवारों से हम नहीं मिल पाते। तो इनमें इन चीजों में भी हमें सुधार लाने की जरूरत है साथियों, और हमें इसमें अलग अलग तरह की चीजों पर काम करना होगा साथियों। कल मैं एक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार था, तो वहां हमें जाने का समण संघ की तरफ से जाने का मौका मिला, तो वहां 3 संगठनों ने उसको मिलके किया, लेकिन साथियों SC ST OBC का वो 3 संगठन थे जिसमें एक विद पीपल के नाम से था, एक SRA के नाम से था और एक पैगाम के नाम से था। साथियों कुल मिला के 3 संगठनों के वहां जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, वहां उनका जो चीजें हमने देखी तो वहां देख के हमें बड़ा एक अंदर से ग्लानि महसूस हुई कि ये हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जो अपना नारा बुलंद करके समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां देख के मैं निराशा हुई, मुझे निराशा मिली कि ये समाज को कहां आगे लेके जाएंगे, ये तो समाज को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। 3 संगठन होने के बावजूद भी दिल्ली के इतने बड़े ऑडिटोरियम में जो एक बहुत बड़ा कॉस्टली वो होता है, वहाँ खाने का अरेंजमेंट था उसकी, उस साथियों उसकी कीमत ही 2 लाख से ऊपर है उसको बुक करने की, तो साथियों वहाँ देख के बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, वहाँ तकरीबन 150 आदमी भी नहीं थे और वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे हमारे ही समाज के जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो गरीब बहुत गरीब नीचे के तबके के लोग हैं, उन्होंने उनको बैठाया हुआ था, उनके बच्चे आए हुए थे क्योंकि वो खाना वहाँ था तो खाने को देख के वहाँ लोग आए हुए थे। तो साथियों वहां मैंने एक चीजें देखी, कुछ चीजें देखी, वहां एक MP साहब आए, पूर्व MP थे, उन्होंने बात कही, बड़ी लच्छे लच्छेदार, उन्होंने बात कही और बात कह के वो चले गए वहां से। उसके बाद में दूसरे एक साथी आए, एक प्रोफेसर साहब थे सुधांशु जी, वो आए, उन्होंने हमारे जो बजट होता है 4,000,000,000 करोड़ का जो बजट है उस पर उन्होंने बात किया, उस पर बात करके वो भी चले गए। हम वहां कुछ लोग थे, हमने वहां के लोगों से पूछा कि सर हमें ये बताया जाए कि जो लोग बात कर रहे हैं 4,00,000 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, जो सोच पे बात कर रहे हैं, जो किसी और चीज पे बात कर रहे हैं, वो लोग क्या अपनी बात बताने ही के लिए यहाँ पे आए थे या समाज की बात को सुनने के लिए भी आए थे? मेरा मानना जो व्यक्ति अपने समाज को 10 मिनट का समय नहीं दे सकता तो साथियों हम मान सकते हैं कि वो समाज के लिए क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता है। साथियों हमें इस पे ध्यान देना होगा, जो हमारे संगठन है, जो हमारे और अलग पार्टियां हैं या जो हमारे राजनीतिक जो चेहरे हैं, वो सिवाय अपना चेहरा चमकाने के समाज को सिवाय गड्ढे में ले जाने के और वो कुछ नहीं कर रहे। साथियों हमने उनसे पूछा कि जब आप अपनी बात बताते हैं कि इसको इस तरह से 4,00,000 करोड़ की बजट की आप बात बताते हैं तो उसको हम ले कैसे, उस पर तो आपने बात ही नहीं की, आपने ये तो बता दिया कि सरकार का 4,00,000 करोड़ का बजट है और इस पे हमें देखना चाहिए हमारे में हिस्से में क्या आता है, तो आपने ये तो बताया कि हमारे हिस्से में क्या आता है, तो आपने ये तो बताया नहीं कि इस हिस्से को हम कैसे हासिल करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं इसको कैसे हासिल करें। मैंने कहा सर आप, हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमारे यहाँ पे आए समण संघ में, आप आए और आप आके वहां सुनेंगे तो आपको वहां हर चीज का समाधान मिलेगा, हम इस देश पे कैसे काबिज हों, इस देश की सत्ता पे हमें कैसे, जो हमारे जो 4,00,000 करोड़ का जो बजट है वो हम लोगों को कैसे मिले, समण संघ को कैसे मिले, समण संघ के परिवारों को वो कैसे पैसा मिले, उसका सिर्फ सीधा सा उदाहरण ये है कि जुड़ना और जोड़ना, जो लोग जुड़े और जुड़ जाते हैं, जो लोग जुड़ना जानते हैं उन लोगों के हिस्से कभी मारे नहीं जाते, उन लोगों का हिस्सा
हमेशा उनको थाली पे परोस के दिया जाता है। साथियों, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, हम बार बार बात करते हैं कि कामयाबी की जो रास्ता जो है वो सत्ता की गलियों से जाता है। साथियों, ऐसा नहीं है। कामयाबी का रास्ता सत्ता की गलियों से नहीं जाता, कामयाबी का रास्ता जुड़ने और जोड़ने से जाता है। साथियों, जो लोग जुड़े और जुड़े उड़े होते हैं, जो लोग जुड़े हुए आपस में यूनाइट होते हैं, वो लोग जहां भी होते हैं वहां अपना हक हासिल कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, किसानों को जो संघ था, किसान जब अलग अलग लड़ रहे थे तो उनको सरकार सुन नहीं रही थी। ये हमने खूब इसी सदी में, 21वीं सदी में हमने देखा। अभी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हर लोग फेसबुक यूट्यूब सब चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने हाथ में रखता है, हर चीज वो जब चाहे जब देख सकता है। साथियों, हमने देखा कि जब तक वो लोग अलग अलग थे तो सरकार उनकी बात नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे ही वो 37 या 43 संगठन रहे थे और वो जब यूनाइट हुए और उन्होंने अपनी बात को एक मंच पे एक लहजे में उन्होंने उस बात को रखा, तो साथियों वो कामयाब हुए। और आपने खुद ये देखा कि इस प्रबुद्ध भारत का जो सपना हम देख रहे थे उसकी एक झलक हमें दिखाई दी कि हम इस रास्ते से अपने इस देश को, भारत को, प्रबुद्ध भारत के जो बाबा साहब के सपनों को भारत है उसको हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसानों के जैसे ही जुड़ना और जोड़ना पड़ेगा। साथियों, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो लोग जुड़ना और जोड़ना जान जाते हैं, वो लोग कभी पीछे हटके मुड़ के नहीं देखते। उन लोगों के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। उन लोगों को कभी भी किसी भी चीज की, किसी भी रिसोर्सेज की, किसी भी सरकार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको स्वयं वो चीज मिल जाती है। क्योंकि सरकारें लोकतंत्र के अंदर जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिया हुआ है। और इसको हम जब ही हासिल कर सकते हैं साथियों, जब हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। साथियों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। साधु 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 आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
साधु साधु साधु।